पे प्रधानमंत्री जी को दिखाई देता। मेरा काम करना है और जितने भी ये महिलाओं पे और हमारे अभी कल का ही एक आए दिन मैं योगी सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ सेठी जी आए और अपने विचार रखें। प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है इसके विरोध है हम लोगों ने आज किया है पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने। जो ये महिलाओं पे अत्याचार आए दिन चेन स्केचिंग का मामला हो या फिर कहीं सड़क में जा रही हो तो उत्पीड़न का मामला हो बच्चियों के साथ, तो इसी के लिए हमने आज सोचा है कि हम एक विरोध प्रदर्शन करें। अगर ये विरोध प्रदर्शन अगर यहाँ पे अगर ये सब नहीं थमेगा तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इसका पूरा विरोध करेंगे। आप कितना सुरक्षित? मैं अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। योगी सरकार में आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। एंटी रोमियो स्क्वाड जो उन्होंने ये बिल्कुल ये इसको हम इसका भी हम वो करते हैं खंडन करते हैं क्योंकि ये कुछ इसका कुछ दिखावा था ये सब, ये कुछ नहीं था इसका। आपके अनुसार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन क्या सारे प्रशासन फेल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जिस तरह से जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं सरेआम दलितों पर अल्पसंख्यकों पर मॉब ब्लीचिंग हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं रेप केस हो रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जैसे नेता इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम सारा प्रदेश काबू से बाहर हो रहा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जो महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही हैं चैन स्नैचिंग हो रही हैं शहरों में बवाल हो रहे हैं इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी को ये कार्यक्रम दिया है कि हम धरना दें और धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। कि आज जो हम ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा, ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके विरोध में हम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी बुरी चरमरा गई है कि इस प्रदेश सरकार को आम जन की तकलीफों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी आप देख रहे हो कितने लोग साबेरी में मर गए हैं, बिल्डिंगें टूट गई हैं, वहाँ पे किसकी गलती रही? प्रशासन की गलती रही। ये लोग अपनी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि इसको हमने सस्पेंड कर दिया उसको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रशासन तब आंख बंद करके बैठा हुआ था जब ये बिल्डिंगें बन रही थी? अभी कल आपने देखा होगा सेक्टर 4 में गोली मार दी गई, गोली मारने के बाद आज अभी तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। उससे 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि गिझौड़ में एक इंसान को गोली मार दी गई, वो हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गए हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। वो चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हैं चाहे पुलिस प्रशासन है, उन लोगों को कानून व्यवस्था से मतलब नहीं रह गया है। ट्रैफिक की आप हालात आप देख रहे होंगे, आप अभी भी दोपहर के टाइम भी चले जाएं तो रेड लाइट पे एक ही रेड लाइट को पार करने के लिए कम से कम भी 10-10 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। क्या यही प्रशासन है? क्या यही ऑर्डर है? क्या यही व्यवस्था है योगी सरकार की? हम विरोध में आज इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, इस कानून व्यवस्था के जो विरोध में हम लग रहे हैं कि योगी सरकार आंखें खोले और देखे कि ये प्रदेश में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, कैसे इस देश की जनता जो है रो रही है।